हे हाय दोस्तों, भरत हिमान फिर से आपके साथ आ गया है स्कॉर्पियो एन। सो कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है करवाने के लिए, तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ गाड़ी के नीचे। तो थोड़ा सा भाई यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे आपको कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्यों और इसका क्या क्या एडवांटेज होता है। भाई बताओगे? हेलो सर, नमस्कार जी। इस हम गाड़ी के ऊपर जो नीचे करें अंडर बॉडी कोटिंग, उसको बोलते हैं एंटी रस्ट, जो कि एक केमिकल होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। पहले गाड़ी पूरी नीचे से अंडर वॉश करके प्रॉपर लिफ्ट पे लगा के इसको स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद ये जो केमिकल है सूखने के बाद ये रबड़ बन जाता है। रबड़ बनने के बाद ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लाइफ टाइम तक चेसिस तक चिपका रहता है। इससे बेनिफिट क्या है, गाड़ी में कहीं पर भी जहाँ मर्जी गाड़ी लेके जाइए, बरसात में कहीं भी मिट्टी में, कभी इस पर रस नहीं पकड़ेगा। सेकंड, गाड़ी चलते हैं अगर पत्थर या कुछ लगता है कैबिन में तो नॉइज़ नहीं आएगी, आवाज़ नहीं आएगी टक, क्योंकि रबड़ है, रबड़ के फील लगेगा, एक वो है। तीसरा, जो दूसरा जो हम कर रहे हैं कि सैलेंसर कर रहे हैं, सैलेंसर कोटिंग, ये जो होता है ये वाला एक सैलेंसर कोटिंग, ये अलग होती है। इसको पूरा केमिकल से, इस केमिकल से ये केमिकल पूरा सिल्वर हो जाता है। इससे क्या होगा, सैलेंसर में देखा होगा आपने कि रस्ट पकड़ लेता है, रस्ट पकड़ने से फिर वो गल जाता है, गलने के बाद फिर पूरा सिलेंसर ही चेंज होता है। तो ये वो प्रोडक्ट है सिलेंसर पे अलग और इसका अलग, क्योंकि सिलेंसर हीट करता है, तो ये नीचे वाला इसके ऊपर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि एंटी रस्ट पिघल जाएगा, ये पिघलता नहीं। ये ऐसा प्रोडक्ट है चाहे जितना मर्जी हीट हो ये उतरेगा नहीं और कभी रस्ट नहीं पकड़ेगा इससे। अच्छी तरह बताएं। ठीक है दोस्त, तो मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो का थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन्होंने यहाँ से कैसे कैसे चीज़ें परफॉर्म करी है। राइट, जैसे आप देख रहे हो सारा का सारा अपना ब्लैक हो गया, ठीक है। और अच्छा दोस्त, मुझे एक चीज़ ये बताओ कि जैसे ये कितने टाइम में अपना ये सूख जाता है? सूखने में मैक्सिमम मिनिमम 4 आवर, 4 घंटे के अंदर। अच्छा, 4। वैसे तो चलो जब गाड़ी चलती है, रनिंग होती है, तो हवा लगती है साफ, थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाता है। ठीक, जैसे जैसे अब केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो हल्का हल्का सूखना स्टार्ट हो चुका है। ये नहीं है कि जैसे प्योर ही गिल्ला जैसे पानी होता है, ऐसा नहीं है, केमिकल चिपक चुका है, सिर्फ उसको परत बनने में थोड़ा सा टाइम, हवा लगेगी, गाड़ी चलेगी साथ के साथ, मतलब सूखता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भाई ये वाला करवाता है काम तो उसको गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, वो करवा के इमीडिएटली अपना जहाँ जाना आराम, आराम से आराम। अब आप सर आए थे, सर के सामने ही गाड़ी वॉश हुई है प्रॉपर, और साथ के साथ सर के सामने ही हमने अपना ये काम करके दी है। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होता है आगे के लिए बहुत बेनिफिट कर देती है। अभी एंटी रेस्ट है, ज़्यादातर बॉडी पे हमारा ध्यान या आपका ध्यान बॉडी पे जाता है, ये तो यहाँ जब ध्यान जाता है जब गाड़ी हम सर्विस के लिए या वॉश करने के लिए लेके जाते हैं, तब उस पर अगर जंग लग गया तो उसको हम रोक सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। इससे अच्छा ये है कि उसको लगने से पहले, कुछ होने से पहले हम छोटी सी चीज़ ये करवा लेते हैं 3 से 4 हज़ार के बीच में, तो रीसेल वैल्यू और नीचे चेसी, सबसे मेन चेसी सेव हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बॉडी तो हम चेंज करवाते रहते हैं, बट ये वाली चेंज कभी नहीं होती है, कब होती है जब एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल, मेन यही पार्ट है हमारा, छोटी छोटी चीज़ के आगे जाके मतलब और अच्छा हुआ जाता है। बिल्कुल, 2-3 साल तक ये वैसे तो लाइफ टाइम प्रोडक्ट है, ये वैसे उतरेगा नहीं कभी भी। 12-13 साल का एक्सपीरियंस मेरा है, जो कि मैंने आज तक कभी कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो वापस आ गई है और आपका सर यहाँ से रह गया। हाँ, ये है कि 2 साल जैसे आप आते रहोगे तो हम इसको चेक करते रहेंगे, कहीं पे लगेगा या कुछ लगेगा तो उसको दोबारा करते हैं। ठीक है, तो उस जब वापस से, अगर एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, अगर सपोज करो वापस से कभी लगता है कि कहीं पे कुछ अलग एक्स्ट्रा करना पड़ा, उसके चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं? वो उसी में एडेड है, वो बीच में एडेड है। हाँ, उसी में, वो बीच में एडेड है मेरे दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर 28-30 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो गाड़ी नीचे से, क्योंकि ऑब्वियस है स्कॉर्पियो एंड ऑफ रोडिंग का एक प्रोडक्ट है, राइट, तो ऑब्वियस है नीचे से काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपका सेफ हो जाएगा और आपका बाकी सारी चीज़ों पर एडवांटेज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और जो भी बेस्ट चीज़ें हैं गाड़ी के लिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो रब रखा।